नमस्कार। ये एक 34 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और इनका प्रश्न अपने करियर को लेके है और ये भी पूछना चाहते हैं कि बिजनेस में हाथ आजमाना चाहते हैं तो कौन सा बिजनेस इनके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। ये इनका एक और प्रश्न है। फैमिली लाइफ के बारे में पूछे हैं, माता पिता, अपने बच्चे, ये सब का साथ और उनके साथ कैसा जीवन रहेगा, इसके परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन है। हेल्थ इश्यूज के बारे में और कोई सजेशन जो आप देना चाहो तो ठीक है। चलिए, सबके पहले बात करते हैं आपकी छोटी उंगली की, यानी कि बुद्ध की उंगली की। देखिए, छोटी उंगली सबसे पहले एक नज़र की बात करें तो छोटी उंगली हटके चल रही है। जब कभी भी छोटी उंगली सूर्य की उंगली से प्रसार होके चले या हट के चले तो ऐसे लोग एक आउट ऑफ द फ्रेम सोचने वाले होते हैं। अच्छे सलाहकार ऐसे लोग होते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं। हाँ, ये है कि जब कभी ऐसा उंगली दूर जाने लगता है तो ऐसे लोग अपने आप को एक निश्चित दायरा नहीं रखते, ठीक है, अपने एक दायरे में रह के सोचना पसंद नहीं करते। ये कुछ हटके सोचना, कुछ हटके विचार करना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। और उंगली की लंबाई अगर देखें तो उंगली की लंबाई अभी इस चित्र के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट फेलेंस की लंबाई से थोड़ा सा कम है, तो ये थोड़ा नाखून आप लंबा रखिएगा, चीज़ें आपको रिकवर हो जाएंगी। ये नाखून आप लंबा रखिएगा ताकि आपका जो उंगली का हाइट है वो ये वाले पोर के हाइट तक आना चाहिए। इतना जब हाइट हो जाएगा तो ऐसे समय में ऐसे लोगों को याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग मैनेजमेंट, ये जो चीज़ें हैं ना, इनमें ऐसे लोग अच्छे देखे जाते हैं, कुशल देखे जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको नाखून लंबा रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें ओके हैं, कोई इसमें नुकसान या बुराई नहीं है। सूर्य की उंगली की बात करें, सूर्य की उंगली का ऊपरी टिप हल्का सा ऐसा फैलाव लेके चल रहा है, ये बहुत अच्छी है। ऐसी स्थिति में इंसान रोजगार करता है या नौकरी के पेशा की तरफ में ज़्यादा ध्यान जाता है तो, और प्रॉपर तरीके से आपका हाथ मुझे देखने के बाद ऐसा लगता है कि आपको नौकरी से ही ज़्यादा अच्छा लाभ होगा, नौकरी पेशा में ही आपको ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी, ऐसा आपका हाथ दिखता है। और मैं वन बाई वन बात करूँगा जब हथेली पे आऊँगा तो, ठीक है। बाकी सूर्य की उंगली का जब ढलान शनि के साइड में होगा तो जीवन में थोड़ा संघर्ष आता है, थोड़ा संघर्ष सामना करना पड़ता है, चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, मान प्रतिष्ठा ये रिकॉग्निशन आसानी से नहीं मिलती, थोड़ा सा डिले होकर मिलती हैं, प्रयत्न करना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये अच्छी स्थिति है, जब ऐसी ढलवा होती है तो ऐसे लोगों के पास में मैनेजिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग अच्छे मैनेजर होते हैं। कोई भी तकलीफ आती है, कितना भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको बहुत आसानी से टेकल करते हैं ऐसे लोग, अच्छा मैनेजमेंट का आर्ट ऐसा कहे जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पे गैप दिखता है सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में, यहाँ पे गैप फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये माता पिता की सेवा करने का अवसर प्राप्त ना हो पाना, हो सकता है कोई काम की वजह से या कुछ की वजह से आप उनसे दूर रहें, ऐसी स्थिति को ये बताता है, ठीक है। तो वो जो मलाल है वो आपको रहेगा माता पिता की सेवा करने का, घर के पास में ऐसे लोग नहीं रह पाते या माता पिता के पास नहीं रह पाते, ऐसी स्थिति बनती है, ठीक है। बाकी शनि पे बात करें, शनि का उंगली लगभग सीधा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी ओके ओके स्थिति है। ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा खुलते नहीं किसी के सामने, अपने आप को बहुत ज़्यादा शो करना या अपने आप को बता पाना या अपने दिल की बात रख पाना, ऐसे लोगों के साथ में ये थोड़ा सा इशू आता है। तो अकेलापन में ज़्यादा इंजॉय करना या अकेलापन इनको ज़्यादा पसंद आता है ऐसे लोगों को। ये उंगली आपकी शनि के साइड में ढल रही है तो ये आपके अंदर में धार्मिकता को बताती है, ऐसे लोग अपने धर्म का मान सम्मान रखने वाले, मानवतावादी सोच, ईश्वर के प्रति आस्था, या सारी चीज़ों को ये उंगली बताती है। हाँ, एक चीज़ है, ये उंगली का ढलवा होना आपको ये बताती है कि ऐसे इंसान कोई भी कार्य को करते हैं तो बड़ी गंभीरता से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो कार्य में डूब जाते हैं या वो कार्य स्टार्ट कर बैठते हैं तो फिर उस कार्य में गंभीरता जो है वो कम होने लगती है, उनका मन उठने लगता है। तो ऐसे लोग थोड़ा सा एक जगह टिकने में ऐसे लोगों को दिक्कत होती है, ये भी समस्या देखी जाती है, ठीक है। तो अभी आपका जो राहु रेखा आपके हाथ में इस तरीके से प्रभावशील हुई है अभी करेंट एज में और आने वाले एज में, मैं बताऊंगा, तो उस दृष्टिकोण से अगर मैं इसको जोड़ कर देखता हूँ तो कुछ अभी प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए बात करेंगे भी, है ना। आगे यहाँ पे जब पहुँचेंगे बात करते हैं। देखिए, और आगे बात करते हैं अंगूठे पे, तो अंगूठा आपका अच्छे कंडीशन में, लेकिन यहाँ हड्डी निकल रही है। जब यहाँ पे हड्डी निकलने लगे तो
ये जीवन में संघर्ष को बताती है। ऐसे लोगों का थंब रूल है यहाँ पे, ऐसे लोगों का भाग्योदय 42 के बाद में ही जाके होता है, उससे पहले कि जीवन संघर्ष में बीतता है, स्टेबिलिटी प्राप्त करने में बीतता है, रिकॉग्निशन बनाने में बीत जाता है। ठीक है, तो 42 साल की उम्र तक आपको थोड़ा जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, अंगूठे की हड्डी निकली हुई है, लेकिन हाँ कुछ पॉजिटिव बातें हैं यहाँ पे। ये उंगली बहुत अच्छी लचीली है, तो दूसरों की बात सुनने का गुण अच्छा है, आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, दूसरे की बात को सुनते हैं, अमल करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अंगूठा बली है, अंगूठे का निचली हिस्सा बली होने के कारण से ऐसे लोगों के अंदर में बार्गेनिंग पावर अच्छी होती है, ऐसे लोग अपने हित की रक्षा करना जानते हैं, क्या सही है क्या गलत है उस चीज़ का परख इनको होता है। तर्क शक्ति का फैलेंज अगर देखें तो बहुत अच्छा है, और उतना ही अच्छा आपकी इच्छा शक्ति का भी फैलेंज है। नुकीला अंगूठा है तो शुक्र से संबंधित, लग्जरी से संबंधित सारी चीज़ें आपको, भौतिक चीज़ें जिंदगी जीवन में मुहैया होंगी। बस एक चीज़ यहाँ पे कमी रह गई, बाकी और भी ज़्यादा उत्तम हो जाता आपका अंगूठा। जीवन रेखा की गोलाई नहीं है, जीवन रेखा आपकी गोल नहीं है, जीवन रेखा आपकी यहाँ तक आके रुक गई, उसके बाद मंगल रेखा का साथ मिला हुआ है आपको, तो मंगल आपके जीवन में संजीवनी का काम कर रहा है, लेकिन जीवन रेखा की ढलाई न होने के कारण से ऐसे समय में आदमी को सारा चीज़ मिलता है, शुक्र से संबंधित भौतिक चीज़ सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से या फिर बोलो दाम्पत्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं खटास दे के शुक्र छोड़ देता है, तो ये खटास को भी बताता है। दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई प्रकार का असंतोष को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, दाम्पत्य जीवन ऐसे लोगों का बहुत अच्छा नहीं होता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। एक कंप्रोमाइज़ वाली स्थिति बनी रहती है इनके साथ में, दाम्पत्य को अगर सही से चलाना है तो ऐसी स्थिति को ये जनरेट कर रहा है यहाँ पे। बाकी चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा बहुत अच्छा आपका यहाँ पे गुलाई लेते हुए चल रहा है। ऐसे लोगों को जीवन में दूसरों का सहयोग, लोगों का सहयोग, बाहरी व्यक्तियों का सहयोग, माता का सहयोग, स्त्री पक्ष का सहयोग, सारे चीज़ अच्छा होता है। ठीक है, और गार्डनिंग, नेचुरल चीज़ों से लगाव, प्रकृति से प्रेम, ये जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। चंद्रमा अच्छा है, कहने का मतलब चंद्रमा जिसका अच्छा है उसके पास में हथेली में जो भी राजयोग बनते हैं वो लंबे समय तक टिकते हैं। सूर्य और चंद्रमा बहुत मायने होता है हथेली में, और आपके ये दोनों पर्वत काफ़ी अच्छे कंडीशन में मुझे दिखते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा से अगर रिलेटेड बिजनेस आप करें, जैसे कि कुछ डेयरी का प्रोडक्ट करें आप, ठीक है, डेयरी दूध से संबंधित चीज़ या पानी से संबंधित चीज़, कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट का आप बिजनेस करें वो आपको ज़्यादा सूट करेगा। और टूर ट्रैवल का अगर काम करते हैं, होटल्स लाइन है तो भी आपको सूट करेगा। तो आपने जैसे बिजनेस स्टार्ट करना है बोल रहे थे आप, और आप बिजनेस का खाने पीने का कुछ सामान के बारे में आप बात कर रहे थे ना, इसका बिजनेस करना चाहते हैं, तो देखिए गुरु भी अच्छा है आपका और चंद्रमा भी अच्छा है, तो आपको ये सूट तो करेगा। ऐसा नहीं है कि वो ये बिजनेस आप कर सकते हैं, मैं इसके लिए मना नहीं करूँगा, लेकिन अगर और ज़्यादा अच्छा होगा जब अगर चंद्रमा से रिलेटेड आप बिजनेस करें या फिर शुक्र से रिलेटेड बिजनेस करिए। ये दोनों पर्वत आपके बहुत अच्छे कंडीशन में मुझे दिखते हैं। ठीक है, तो शुक्र से संबंधित मतलब कोई भी प्रकार का आपका पहनावा से ओढ़ावा, आभूषण, अलंकार से संबंधित जितनी भी चीज़ें, साज सजावट से संबंधित वो सारी चीज़ें आपका शुक्र से रिलेटेड चीज़ें हैं। इससे संबंधित बिजनेस आप कर सकते हैं, लेडीज़ आइटम हो गया, सिंगार जो आइटम है, सारी चीज़ कुछ भी आप कर सकते हैं, जूता का दुकान हो गया, कपड़े का दुकान हो गया, ऐसी चीज़ें ये आप कर सकते हैं। इधर आप डेयरी प्रोडक्ट का या फिर लिक्विड प्रोडक्ट का बिजनेस कीजिए, मैं ये भी मना नहीं करूँगा, जो आपने सोच रखा है वो भी आपके लिए सूटेबल होगा, लेकिन क्योंकि गुरु का आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, जिस लेवल में आपका चंद्रमा और शुक्र है उस लेवल में आपका गुरु का पर्वत छोटा है, काफ़ी नैरो है। जब कभी गुरु का पर्वत छोटा हो, पर्वत अच्छा है उभरा हुआ है लेकिन छोटा है, ये एरिया छोटा है, एरिया जब ऐसा छोटा पड़ जाए किसी का गुरु पर्वत का, तो ऐसे लोग अपने चाचा मामा से दूर में जाके प्रवास करते हैं, और ऐसे लोग उनसे जो संबंध होता है या सपोर्ट होता है उन रिश्तेदारों से, वो सपोर्ट इनके जीवन में एकदम नहीं के बराबर होता है, या ऐसा भी बोल सकते हो कि उनके कारण से जीवन में तकलीफ़ें आ जाती हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। सहयोग तो मिलता नहीं, कभी कभी उनसे तकलीफ़ें भी मिल जाती हैं, ऐसी स्थिति को ये बताता है। ठीक है, तो एक हाय हेलो वाला रिलेशन रहता है, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नहीं होता, ऐसा आप कह सकते हो। देखिए अब बाकी बात करते हैं आपके बुध के पर्वत पे। तो बुध का पर्वत आपका सही है, उस पर खड़ी लकीरें हैं, तो ये आपका शुद्ध है बुध का पर्वत, कोई भी प्रकार की अशुद्धि यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे लोगों की वाणी बहुत सुंदर होती है, क्योंकि वाणी का कारक है, तो वाणी से मीठे बोल बोलते हैं,
वाणी के द्वारा अपने कार्य सिद्ध करने की एबिलिटी ऐसे लोगों के पास होती है। खड़ी लकीरें बताती हैं कि आपके अंदर में बिजनेस का समझ है, आपको धन संचय को बताता है, आपके फिजिकल अपीयरेंस को बताता है, ठीक है। तो ऐसे लोग दिखने में भी अच्छे होते हैं, स्वभाव से मृदुवाणी होते हैं ऐसा कह सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और है, ये लकीरें फ्लड लाइन है, ये फ्लड लाइन जब भी बनती है तो ऐसे लोग कितना भी कुछ भी तकलीफ जीवन में आता है तो उसको भी अब मुस्कुरा के हंस के अपनी उसको सामना करने वाले, क्योंकि मंगल का पर्वत भी अच्छा है तो आप तकलीफ़ों का सामना करने में हिचकिचाते नहीं हैं बल्कि हकमकाते नहीं हैं ऐसे लोग, है ना। अगर शुद्ध शब्द में कहें तो हकमकाते नहीं हैं, परिस्थिति का दृढ़ता से सामना करते हैं और हंस के सामना करते हैं, उसको बर्डन लेके सामने नहीं चलते, ये अच्छी स्थिति है। बाकी अगर सूर्य पर्वत पे बात करें तो देखिए सूर्य का पर्वत आपका हल्का खिसका हुआ है शनि के साइड में, पहला चीज़, ठीक है। और जब ऐसी स्थिति दिखे कि सूर्य का पर्वत शनि के साइड में खिसके तो ऐसे लोगों को सुबह उठने में तकलीफ़ होता है, या बोलो कि बॉडी इनका चार्जअप नहीं हो पाता, जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती है इनको फिर बैटरी के जैसा बिहेव करते हैं ये, उसके बाद इनके शरीर में पावर आता है, ऐसा बोल सकते हो व्यक्तिगत रूप से। लेकिन इसका एक और भी पहलू है, ऐसे लोगों के जीवन में क्योंकि शनि संघर्ष है, ठीक है, सूर्य के जब भी शनि के साइड में जाए तो ये आचरण में गंभीरता भर देता है और जीवन में संघर्ष को भरता है, सफलता में डिले करता है। और ख़ास करके जब ये रेखा और मिल जाए हाथ में, देखिए ये देखिए आपके हाथ में एक रेखा है, ये रेखा कभी भी सूर्य से शनि को जाती हुई ये रेखा मिले तो ऐसे लोग पहले तो आप देखना विदेश से जुड़कर धन कमाते हैं या विदेशी तंत्र से जुड़कर धन कमाते हैं, ठीक है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो गई या कोई भी प्रकार से जहाँ पे विदेश का टर्म आए ऐसी चीज़ से जुड़कर धन कमाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो एक जो कॉमन बात है जो एप्लीकेबल हर किसी के लिए हो जाती है जब ये रेखा हो, ऐसे लोगों का जीवन में भाग्योदय 36 वर्ष या जाके 42 वर्ष के बाद में देखा जाता है, इससे पहले इनका जीवन में संघर्ष संघर्ष और संघर्ष चलते रहता है, ठीक है। लेकिन हाँ ये ज़रूर हो सकता है क्योंकि ये सरकारी तंत्र है सूर्य और ये शनि है तो सरकारी नौकरी में हो सकते हैं या सरकारी तंत्र से जुड़कर लाभ कमा सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, सरकारी धन इनको मिलता है, ऐसे लोगों को हो सकता है पॉसिबिलिटी। लेकिन जो स्टेबिलिटी है जो एक स्थायित्व है ऐसे लोगों को 36 या 42 के बाद में जाके देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। थोड़े से गंभीरता देता है स्वभाव में, ये गंभीर हो जाते हैं या फिर बोलोगे 36 के बाद में जाके गंभीर होते हैं ऐसा भी बोल सकते हो। बाकी गुरु पे बात कर शनि पे बात करते हैं तो देखिए शनि का पर्वत भी आपका अच्छा है, मेहनत फ्लैट है तो मेहनत का गुण होता है ऐसे लोगों के पास में, मेहनत से जी नहीं चुराते, अपने कार्य पे लगे रहते हैं, मेहनत का प्रॉपर तरीके से गुण ऐसा शनि देता है, अच्छी स्थिति है, शनि पे कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं। बाकी अगर बात करते हैं देखिए ये कुछ रेखाएं यहाँ पे आपको गुरु पर्वत पे दिखाई दे रही हैं, जब गुरु पर्वत पे ऐसी रेखाएं मिले ये खड़ी रेखाएं अच्छी स्थिति है, ये जीवन में इच्छा पूर्ति की रेखाएं हैं, आपके जीवन में जो भी इच्छाएं हैं आपकी जो मनोकामनाएं हैं उसका पूर्ति को ये बताता है, तो ये अच्छी स्थिति है, आप जो भी मनोकामना विश किए हैं अपने लाइफ में जो ड्रीम बनाए हैं उसकी काफ़ी हद तक पूर्ति कर लेंगे। लेकिन कुछ आड़ी रेखाओं ने काटा है तो फिर भी आप 70% अपने जीवन की कामनाओं को पूर्ण कर लेंगे, ये आपके हाथ में दिखता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे स्थिति पे तो नहीं लेकिन बहुत ख़राब स्थिति पे भी नहीं, अच्छा 70% तक की स्थिति आपके हाथ में दिख रही है। बाकी देखिए कुछ मुख्य रेखाओं पे भी मैं चर्चा करता हूँ। देखिए सबसे पहले हृदय रेखा पे बात करूँ तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया फ्लड लाइन का, ठीक है। तो ये ऐसे लोग हंसमुख स्वभाव के होते हैं, ज़्यादा देर तक गम मनाना इनको पसंद नहीं आता। दूसरा चीज़ देखिए हृदय रेखा आपकी जाके ख़त्म हुई है कहाँ पे, बिल्कुल शनि और गुरु के ज्वाइंट पे जाके ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, ऐसे लोग कोई भी एक पहलू पे ज़्यादा, यानी कि जब बहुत ज़्यादा इमोशनली नहीं बह जाते तो बहुत ज़्यादा स्वार्थ भी नहीं होता, दोनों टाइप का गुण संतुलित होता है ऐसे लोग, स्वार्थ के टाइम में स्वार्थ और दया भाव के टाइम में दया भाव, ऐसी स्थिति यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच को बताता है। तो ऐसे लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं स्वभाव से, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते, प्रैक्टिकल वे में जाके चाहे धर्म हो चाहे आस्था हो चाहे कोई भी बात हो वहाँ पे ये प्रैक्टिकल अप्रोच ऐसे लोगों का होता है। अब इसी हृदय रेखा में आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, ये देखिए ये ऐसा जब भी फैलाव
छोटी छोटी बारीक रेखाओं से ऐसा डार्कनेस बने और या फैलाव आ जाए, ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो ये और ख़ास करके हृदय रेखा में तो और भी अच्छी स्थिति नहीं है जब ऐसी स्थिति हो। और मंगल पर्वत देखना है, जब ऐसा है तो मंगल पर्वत देखना है। मंगल अच्छा उभरा हुआ मंगल है इनका, बहुत शानदार। ऐसा श्रेष्ठ मंगल पे जब ऐसी लकीरें यहाँ पे दिखे हृदय रेखा में, तो ये बताता है क्लियर कट कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे लोगों को शिकायत होता है। और मैंने इनसे कंफर्म भी किया इस चीज़ को, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि इनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। और ये इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम देख के ही समझ में आता है, ये कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। हार्ट से संबंधित कुछ ना कुछ तकलीफ को दिखाता है ये, रेस्पिरेशन यानी कि श्वास श्वसन तंत्र से संबंधित भी बीमारी में भी ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ देखना, तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मंगल आपका अच्छा है तो एनर्जेटिक आपकी बॉडी है, आप अपने बॉडी के एनर्जी लॉस कीजिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आपका ये जो प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल का आपका हो रहा है वो आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। नहीं तो ये आपको फिर बाद में धीरे धीरे जाके हार्ट का प्रॉब्लम पकड़ा देगी, क्योंकि मंगल जब स्ट्रांग होना तो ऐसे लोगों को फिजिकल एग्जर्शन होना चाहिए, नहीं तो फिर ये दिक्कत करता है ये मंगल। मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ इसको अपनी वीडियोज़ में भी, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना, एक्सरसाइज या फिर फिजिकल वर्कआउट की तरफ में ध्यान दीजिएगा। बाकी माइंड लाइन पर बात करता हूँ। देखिए माइंड लाइन की स्थिति आपकी जाके सूर्य के नीचे ख़त्म हो रही, तो लंबाई तो लगभग सूर्य के नीचे तक है, तो उत्तम है, सर्वोत्तम या बहुत उत्तम तो नहीं कहूँगा, फिर भी ठीक ठाक है। जब इतना हो तो बस ये क्या होता है, ऐसे लोग काफ़ी समझदार होते हैं, सहनशील होते हैं, लेकिन इनकी एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद में जाके ये विस्फोटक हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य का गुण लिया हुआ है ना मस्तिष्क रेखा, ठीक है। तो ऐसे में एनर्जी है, एक विस्फोट है एनर्जी है, एक थोड़ा इनके अंदर में ईगो का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपके गुरु संभाल रहा है ईगो को, तो उतना मैं ईगो के लिए बात नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ लकीरें नहीं है तो ईगो नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, ऐसे लोग गुस्सा नहीं आता, लेकिन आता है तो बहुत ज़्यादा विस्फोटक हो जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इसके बाद में इनको समझ नहीं आता, वो कंट्रोलिंग पावर नहीं होती, ब्रेन पे रेखा लंबी नहीं होने के कारण से ऐसे लोग विस्फोटक होते हैं। जितनी छोटी रेखा हो तो उतना आदमी विस्फोटक होते जाता है व्यक्तित्व के हिसाब से। तो गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए आपको। बाकी मस्तिष्क रेखा पे अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान देंगे, देखने से ये दिखता है, यहाँ पे एक टूट है, यहाँ पे ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से यहाँ तक गई, फिर इस कट ने काटा, फिर यह हलचल मचा के निकली। तो ऐसे समय में जब टूट लगता है ना, तो एक ना एक बार जीवन में ऐसा एक घटना घटता है जब आदमी का रोज़गार छिन जाता है, ठीक है, या फिर चलता काम रुक जाता है, ऐसी स्थिति को ये बताता है। तो ये घटना भी आपके जीवन में ज़रूर घटी होगी, ऐसी घटना जो आपको हलचल मचा के निकली होगी, है ना। उसके बाद अगर आप देखते हैं माइंड लाइन ओवरऑल ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं है। बाकी अब जीवन रेखा पे बात करते हैं, जो इनका हाथ में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है जीवन रेखा में। जब जीवन रेखा आपकी अब यहाँ से यहाँ तक का देखते हैं, इस एज में आप देखेंगे स्टार्टिंग के इस एज में, यानी कि लगभग आपका ये एज आता है, ये आपका 20, लगभग 20 के एज तक में आपका जो मस्तिष्क है वो आपके जीवन रेखा से उलझ के चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। जब ऐसी स्थिति हो तो आदमी अपने स्वयं के विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाता, या तो पारिवारिक जवाबदारियां उसके सिर पर ऐसी होती हैं, या परिवार का बंधन होता है, या इसका जो डिसीजन है ये खुद ना ले पाता हो, माता पिता के अधीन रहता हो, ऐसी कोई भी स्थिति, जब आदमी स्वयं के विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाता तब तक ऐसी स्थिति रहती है, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे आप ये एज पार करते गए 20 के बाद से, तो ये देखने को समझ में आ रहा है कि आपका जो असल भाग्योदय है, यानी आप मानसिक रूप से जो स्वतंत्र हुए हैं, वो 20 साल के एज के बाद में आपने अपने जीवन का फैसला अपने हाथ पे ले लिया, अपने हिसाब से आपने चलना चालू किया होगा, ऐसी स्थिति को ये बता रहा है। उसके बाद में जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ये एक रेखा यहाँ पे गई और लगभग ये अटैच होती हुई पतली रेखा जाके अटैच हो रही है, ये आपकी एज रही होगी जब 30 के आसपास में, तो आपका विवाह हुआ, जैसे आपने डेट दिया है विवाह का, तो 30 के एज में आपका विवाह हुआ। और इसी डेट को मैं रेफरेंस लेते हुए चलता हूँ आगे, तो देखिए 30 के बाद में लगभग ये 32-33 का जो एज है वहाँ पे एक जीवन में परेशानी आई। अब यहाँ पे मज़े की बात क्या आ रही है, एक प्रोग्रेस लाइन भी धुंधली सी यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो परेशानी आई और फिर प्रोग्रेस भी मिल गया, ऐसी स्थिति बन रही है यहाँ पे, दोनों एक ही समय में ऐसा हुआ होगा। तो कोई जीवन में एक परेशानी आई होगी और फिर वहाँ से आपको प्रोग्रेस भी मिल गया होगा,
ऐसा समझ सकते हो उसको। ठीक है, तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पे भी है कि परेशानी के बाद में तुरंत प्रोग्रेस मिल गया, तो वो परेशानी आपको न्यूट्रलाइज हो गई होगी, ऐसा समझ सकते हो। उसके बाद में आप देखोगे तो ये 36 के आसपास में, 36-37 के एज में भी एक परेशानी आपको आएगी। उसके बाद में 42 के आसपास में अच्छा एक प्रोग्रेस आपको जीवन में देखने को मिलेगा। और उसके बाद में अब जीवन रेखा में कोई रेफरेंस पॉइंट है नहीं, कोई प्रोग्रेस लाइन है नहीं जिससे कि मैं रीड करके बोलूँ, तो जैसे जैसे मैं अब भाग्य रेखा पे जाऊँगा तो ये चीज़ों को और क्लियर कर दूँगा मैं। ठीक है, देखिए अब आप देखेंगे अगर इनकी भाग्य रेखा पे, तो देखिए ये जो एक बहुत सुंदर चिन्ह यहाँ पे बना हुआ है, अब ये चिन्ह जो मैंने फ़ोटो में कोशिश किया है समझने का, तो मुझे ये समझ में आया फ़ोटो में कि ये यहाँ पे एक प्रोग्रेस लाइन है, भाग्य रेखा में एक प्रोग्रेस लाइन है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है, अब इसको हम एज कैलकुलेशन के तरफ में जाते हैं, देखते हैं कि क्या एज आता है। ये समझ के चलिए ये जो एज है ना आपका, ये 36 से 37 के बीच का एज आ रहा है आपके हाथ के हिसाब से। तो 36-37 के एज के जब एज में आप रहेंगे, पामिस्ट्री में एक आध साल आगे पीछे हो सकता है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि एग्जैक्ट डेट पे पहुँचूँ या एग्जैक्ट आपका ईयर में कैलकुलेट कर सकूँ। तो मेरा ये मानना है कि 36 और 37 के इन बिटवीन आपको एक बहुत अच्छा करियर में ग्रोथ मिलेगा, एक जीवन में एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस मिलेगा आपको ये पीरियड पे। ठीक है, तो ये पीरियड को आप, इस पीरियड को एक योग जो बना है, जो राजयोग है, ये जो भी आपको मिलने वाला है इसका लाभ उठाइए, उस दिशा में प्रयत्न कीजिएगा, अपने प्रयत्नों को बढ़ाइएगा, ये आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा। ठीक है, तो एक ऐसी स्थिति यहाँ बन सकती है। दूसरी चीज़, सूर्य की रेखा आपकी जाके भाग्य रेखा पर मिल रही है, ये बहुत अच्छी स्थिति होती है, अपने आप में एक राजयोग का निर्माण करती है। तो ऐसे समय में क्या होगा कि हो सकता है ऐसे व्यक्तियों को अक्सर देखना कि सरकारी तंत्र से जुड़कर लाभ जरूर होता है ऐसे लोगों को। ठीक है, और ये स्थिति किसी प्राइवेट एम्प्लॉय के में भी है तो भी अच्छी स्थिति है, ऐसे लोगों को उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं उनका हमेशा सहयोग बना रहता है जीवन में, अधिकारियों से इनकी बहुत अच्छी बनती है या अधिकारियों के प्रिय बनते हैं ऐसे लोग, तो अच्छी स्थिति है। तो इसका लाभ उठाइए, आप अपने इस कनेक्शन का लाभ उठाइए, इस एज में अपने प्रयत्नों को बढ़ाइए, 36 से 37 के बीच में एक अच्छी आपको स्थिति मिलेगी जीवन में आगे बढ़ने की, एक ज़बरदस्त स्थिति यहाँ पे आपको बनती दिखाई दे रही है। ठीक है, वैसे ही अगर नीचे जाके देखता हूँ तो ये जो एज है जहाँ पे भाग्य रेखा में मिलन हुआ इसका, ये लगभग 27 या 28 के इन बिटवीन का एज आता है। इस एज में जाके आपको जो भी आप जॉब किए होंगे, 25 से आप जॉब मान लो करना चालू किए हैं, तो भी आपका 27-28 के एज के इन बिटवीन जब गए होंगे तो आपको जाके स्टेबिलिटी महसूस हुई होगी, आपको एक रिकॉग्निशन मिला होगा, एक आपको पहचान मिली होगी यहाँ पे इस एज में, एज जॉब में, जिस एज में भी ये जुड़ता है उस एज में जाके एक स्टेबिलिटी को बताता है, एक पहचान को, एक स्थायित्व की तरफ में ये इशारा देता है। ठीक है, तो ऐसा ही स्थिति 27-28 के एज में आपको बना होगा। उसके बाद में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड कुछ गलत हुआ इसमें एज के हिसाब से, ये देखिए आपका ये 40 के बाद में ये हो गया 36, ये 40, ये हो गया 36 के बाद में ये हो गया 30, हाँ ठीक है, करेक्ट आ रहा है, 26 और 27 के एज के इन बिटवीन होगा ये जो घटना है। ओके, उसके वहाँ पे जाके आपको स्टेबिलिटी महसूस हुई होगी, आप वहाँ पे जाके आपका जीवन में एक नौकरी स्थायित्व मिला होगा 26 से 27 के बीच में, जो 27-28 बोल रहा था उसको 26-27 कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे आपने जीवन में आगे बढ़ते गए हैं, आपको अब देखना क्या है यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे भाग्य की रेखा देखिए, मैं अगर यहाँ तक पहुँचता हूँ, ठीक है, यहाँ से मोटा मोटी यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की भाग्य रेखा बहुत धुंधली सी फैली हुई सी चल रही है। इसका क्या मतलब होता है, अगर इस समय में आदमी कुछ व्यवसाय करे या फिर कुछ जॉब करे तो इनकमिंग जितना होता है उतना आउटगोइंग हो जाता है, यानी सेविंग जीरो हो जाती है, आदमी सेव नहीं कर पाता है ऐसे समय, पैसा आया और निकला, ऐसी स्थिति को बताता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000 कमाओ या 1,00,000 रुपया कमाओ, ये स्थिति को बताती है कि आपका आना और जाना बराबर कर देगा जब ये धुमिला होता है। ठीक है ना, ऐसी स्थिति है। अब ये स्थिति आपकी कब तक बनी है, तो अगर मैं देखूं तो 30 के बाद में जाके
30 के बाद में जाके आप अपने जीवन में काफ़ी सीरियस हुए हैं धन संचय को लेके, ऐसा आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। ठीक है, 30 के बाद में आपका जीवन में एक धन संचय को लेके एक नया एक मोड़ आया, एक स्थायित्व के तरफ में या संचय के तरफ में आपका गंभीरता आपको जीवन में प्राप्त हुआ। उससे पहले की स्थिति काफ़ी संघर्ष भरी रही है, धन का आना जाना ऐसा स्थिति बना, या फिर आप बोलो कि किसी डिपेंडेंट पे। अब देखिए एक और बात आती है यहाँ पे, अब ये धन का खर्च कहाँ हुआ ये भी अगर आप देखें तो यहाँ से इनके हाथ में समझ में आ रहा है। बहुत सारी नीचे जाने वाली रेखाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी। अब ऐसा होता क्या है, ये बताता है कि ऐसे लोगों का जो धन है डिपेंडेंट पे बहुत खर्च होता है। परिवार में जो भी इनके डिपेंडेंट होंगे, भाई बहन होंगे या कोई भी होगा जो भी इनके रिश्तेदार, उनकी जवाबदारियाँ इनके सिर पर होंगी, जिसके कारण से बार बार इनका धन का जाना ऐसा होता है। ऐसे लोगों का धन ऐसी जगह जाता है जहाँ से फिर वापस नहीं आता, चाहे आप डिपेंडेंट पे जाए चाहे आप कहीं पे भी जाए, ऐसे जगह धन लगेगा जहाँ से वापस नहीं आता। तो ये उस स्थिति को भी बताता है। तो पारिवारिक जवाबदारियाँ मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा आपको सताई हैं धन के मामले में, जिसके कारण से आपका धन का संचय नहीं हो पाया होगा, ऐसी स्थिति कुछ बनी होगी आपके साथ में। उसके बाद में आप 30 के बाद में स्थिति काफ़ी सुधार होते होते, अभी अगर 34-35 का जो एज है आपका, तो अभी भी मैं नहीं बोलता कि एकदम पूरी तरीके से सुधार हो गया। आप देखेंगे अगर तो पूरा यहाँ तक तो ऐसी कंडीशन है, लेकिन फिर भी इस कंडीशन से तो काफ़ी बेटर है, काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। लेकिन अभी जो आपको ये जो पीक पॉइंट मैंने बताया, अभी 36 के एज के बाद से आपके जीवन में धन का संचय काफ़ी अच्छे मात्रा में देखने को मिलेगा। आपका जीवन में जो विकास है, जो एक भाग्योदय मैं कहूँ, अगर इस एज के बाद में आपके जीवन में भाग्योदय होता मुझे दिखता है। ये देखिए सपोर्ट लाइन यहाँ पे, ये धन रेखा। आगे स्थिति जैसे आप 40 में क्रॉस करेंगे, 40 के बाद में आपको दोहरा इनकम देखने को मिल रहा है, और ये दोहरा इनकम 40 से लेके आपका 50 के उम्र तक, 50-52 की उम्र तक कंटिन्यू है। तो आपका गोल्डन पीरियड रहेगा, 40 से लेके 52 साल का उम्र आपके जीवन का गोल्डन पीरियड रहेगा। यहाँ पे आप बहुत धन एकत्र करेंगे, और इसी एज में जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो मैंने 70% कह के छोड़ा है, वो आप पूर्ण करते हुए देखने को मिलेगा आपको। ये अच्छी स्थिति यहाँ पे बन रही है 40 से 52 के बीच में। उससे पहले की स्थिति काफ़ी आपने संघर्ष किया है, तो आपका अंगूठे पे निकला हुआ हड्डी जो 42 साल का दे रहा था इंडिकेशन, और ये जो ये रेखा है ये 36 साल का दे रही थी, तो दोनों कुल मिला के आपका जो जीवन है 40 के बाद में उत्तम होते हुए दिख रहा है। हालांकि भाग्योदय 36 के एज में, यानी कि यहाँ पे जो सूटअप है ये आपको 36 के एज के बाद से देखने को मिल रही है। 40 के बाद में बेहतर स्थिति रहेगी आपकी। ठीक है, बाकी आपने मुझसे होटल वगैरह लाइन के लिए, बिजनेस के लिए पूछा है, तो मैं आपको बता दूँ, आप बिजनेस कर तो लीजिए, लेकिन ये बिजनेस टिकेगा नहीं। अब कारण भी देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। आपका मैं लेफ्ट हैंड में जा के देखा तो एक रेखा ऐसी मुझे दिखाई दी, देखिए ये कभी भी हॉरिजॉन्टली काटती है ना, तो ऐसे समय में इंसान का चलता काम रोक देती है ये। ठीक है, या फिर नौकरी छोड़ देती है, ऐसी स्थिति को जनरेट करती है। तो अगर ये रेखा बन रही है और यहाँ पे एक हल्की सी धुंधली सी रेखा सूटअप यहाँ पे जा रही हो, भी बुद्ध की उस साइड में देख रहे हैं, तो व्यापार आप मान लेते चालू करते हैं, ये बेचारा चालू हुआ व्यापार 2-3 साल के बाद में ये बंद होने के कगार पे आ जाएगा, तो बेटर है। क्योंकि अभी आपको सपोर्ट लाइन नहीं है उस हिसाब से, तो आप अगर कोशिश कीजिए कि अभी मत करके 40 के बाद कीजिए, क्योंकि 40 के बाद में आपको राहु रेखाओं का मार बंद हो जाएगा, आपका भाग्योदय की स्थिति चालू हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, और अगर अभी आपको चालू करना है तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि नुकसान होगा आपका। ठीक है, नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये है कि उसको लंबे समय तक आप चला नहीं पाएंगे, वो लंबे समय तक चलेगा नहीं। 2-3 साल के बाद में ऑटोमेटिक ऐसी स्थिति बनेगी कि आपको खुद बंद करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेरी बेसिस पे मैं करता हूँ तो कर लीजिए, लेकिन हाँ ये लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं चलेगा, ये आके आपको ब्लॉक करेगा ही करेगा। ठीक है, इसको ऐसा भी समझ सकते हो आप। तो ये होटल के लिए आपका जो प्रश्न था तो वो मैं समाहित कर दिया यहीं पे। बाकी आपका एक और प्रश्न था फैमिली लाइफ को लेके, मम्मी पापा का जो सेवा वाला बात मैंने ऑलरेडी छेड़ दिया है। माता पिता से दूरी आपको कराएगी, चंद्रमा आपका ज़बरदस्त है, ऐसे लोग यात्रा के शौकीन होते हैं, या यात्राओं भरा जीवन ऐसे लोगों को बिताना पड़ता है, तो वो तो रहेगा आपके साथ में, थोड़ा सा मम्मी पापा से दूरी या फिर परिवार से दूरी रहेगी। बाकी आपने बच्चों के बारे में पूछा था,
तो देखिए, आपका जो आप जो पूछना चाह रहे हैं कि आपके हाथ से मैं ये बताऊं कि आपके बच्चा कैसा होगा या आपकी पत्नी कैसी होगी, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपको उसका सहयोग मिलेगा कि नहीं, ये बता सकते हैं। तो आपको गुरु अच्छा है, भले ही छोटा है तो क्या हुआ, जब छोटा गुरु रहता है तो ऐसे लोगों को इनिशियली, जब संतान जब छोटा रहता है 12 साल की एज तक में, उस समय संतान से रिलेटेड तकलीफ इनको जीवन में झेलनी पड़ती है, चाहे संतान होने में डिले या संतान हो गई तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम, ऐसी स्थिति रहती है। लेकिन 12 साल जैसे संतान को हो जाता है, उसके बाद में चीज़ें बहुत आराम हो जाती हैं, बहुत रिलैक्स हो जाती हैं। तो संतान का सुख तो मिलता है, लेकिन इनिशियली प्रॉब्लम होता है जब छोटा गुरु हो। बाकी शुक्र आपका फैलाव बहुत अच्छा है, लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें मिलेंगी स्त्री का सुख को छोड़कर। क्योंकि देखो, स्त्री सुख मतलब, मेरा कहने का मतलब, दाम्पत्य में खटर पटर आपके जीवन में रहेगा, क्योंकि शुक्र की रेखा जो जीवन रेखा है ये पूर्ण गोलाई पे नहीं है। और ऐसी स्थिति जब होती है तो आदमी को, और ऊपर से हार्ट लाइन की स्थिति ये मैच करते हुए मैं देख रहा हूँ, तो कुछ खटर पटर वाली स्थिति रहेगी, लेकिन बहुत बुरी स्थिति कुछ नहीं है इसमें। आप आराम से कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, अंगूठा आपका लचीला है तो कंप्रोमाइज़ करके आप आराम से व्यतीत कर सकते हैं चीज़ को, ठीक है। उसके बाद आपने हेल्थ इश्यूज़ के लिए कहा है, तो हेल्थ इश्यूज़ के लिए मैं आपको पहले ही अलार्म दे दिया हूँ कोलेस्ट्रॉल को लेके। हार्ट का पेशेंट आप बन सकते हैं, आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसको आपको बहुत सीरियस लेना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको तकलीफ देगा, ठीक है। बाकी कोई सजेशन आप जो देना चाहें, आपने कहा है तो मैं आपको सजेशन के लिए बस यही कहूँगा, आप अभी 50 तक का एज तो बढ़िया से, जो आपको समय मिलेगा वो समय को बढ़िया से बिताइए। दोहरी भाग्य रेखा मिल रही है तो उसमें जो कट अगर लेख दो लगते हैं ना, तो वो उसका भी आपको सहन शक्ति मिल जाता है। इतना इनकम होता है कि एक आग चोट लगे ना तो आदमी झेल लेता है, दोहरी रेखा होती है, तो उतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। और आगे भी आप देख रहे हैं तो धन की रेखा ठीक ठाक है, आपको बदलाव भरा जीवन रहेगा, जीवन में इनकम में बदलाव होंगे। हो सकता है बार बार आप जॉब चेंज करो या ऐसी स्थिति बने, आपको एक तो 40 के एज के बाद बनेगी, 40 से 42 के बीच में भी आपका एक जॉब का चेंज होगा, उसके बाद में 50 के एज में यानी 52 के एज में भी आपको एक जॉब चेंज होगा। ये ट्रैक चेंज करता है, ऐसे समय में इंसान जो है ना, एक जॉब छोड़ के दूसरा जॉब किया या फिर कुछ ना कुछ उसी जॉब में कुछ परिवर्तन किया, अर्निंग सोर्स में परिवर्तन होता है ऐसे समय में। ये 2-3 स्थितियाँ आपके साथ बनेंगी, तो आपको एक यहाँ पर परिवर्तन का ये दिख रहा है, एक यहाँ पर परिवर्तन दिख रहा है, ठीक है। 40 से 42 और 50 से 52 के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा, और अंत में ये रेखा द्विशाखित होके बहुत सुंदर कंडीशन में, तो बुढ़ापा आपका अच्छा जाएगा। बुढ़ापे के लिए एकदम बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, ये ज़रूर है कि धन का संचय के लिए हर कोई बोलता है, मैं भी बोलूँगा धन संचय कीजिए, बाकी आपको भाग्य का सपोर्ट आपको बुढ़ापे में अच्छा रहेगा, ऐसा क्लियर कट इंडिकेशन, ये अच्छा शुभ संकेत है। कभी भी वी आकार बने और दोनों वी आकार शनि पे ही बने, ये गड्ढे पे ना जाए, ये गड्ढे पे जाने वाला जो वी होता है ना, ये बेकार होता है, ठीक है। तो ये अच्छी स्थिति आपकी बनी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुढ़ापा सही शनि अच्छा बीतेगा आपका। निचले जीवन में संघर्ष आपने जो भी किया है उसका प्रतिफल आपको ऊपर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये था मेरे साइड से आपके सारे प्रश्नों का जवाब। आशा करता हूँ आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा, और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।